नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज 23 नवंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोहरे से हादसों को रोकने के उपाय, IRC 35 मानकों का रखना होगा ध्यान, पथ निर्माण विभाग ने जारी किया गाइडलाइन। मातृत्व अवकाश पर शिक्षा मंत्री का बयान, शिक्षकों का वेतन वापस करने का आदेश, आंदोलन करने वाले शिक्षकों के भी नहीं कटेंगे वेतन। बैठे ऑनलाइन बिजली कनेक्शन आवेदन, सरल तरीके से पाएं LT कनेक्शन, बिजली कनेक्शन के लिए ऐप से करें आवेदन। बिपार्ड का 2047 विकास सर्वे, विकसित बिहार 2047 सर्वे में भाग लें, बिहार के भविष्य के लिए सुझाव दें। ट्रेन टिकट में नाम और डेट में बदलाव के तरीके, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से ही होंगे बदलाव, करीबी के नाम पर ही कर सकते हैं टिकट ट्रांसफर। संचिता बसु और धवल ठाकुर पहुंचे पटना, ठुकरा के मेरा प्यार का किया प्रमोशन, संचिता ने पटना के दर्शकों का किया धन्यवाद। अंडर 19 एशिया कप, भारत पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला, वैभव सूर्यवंशी की अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत, आज दुबई में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने अप्रेंटिसशिप के 1785 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 28 नवंबर 2024 से शुरू हो गया है जो 27 दिसंबर तक चलेगा। इस भर्ती के लिए पात्रता 10वीं और ITI सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवारों से मांगी गई है। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2024 के अनुसार 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए ₹100, जबकि SC ST PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क मुक्त है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को RRCSER की आधिकारिक वेबसाइट IROAMS.com पर जाकर पंजीकरण करना होगा। बिहार सरकार ने कोहरे से होने वाले सड़क हादसों को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा उपाय लागू किए जाने हैं। पथ निर्माण विभाग ने IRC 35 मानकों के अनुसार 7 महत्वपूर्ण कदम है। पहला, सड़क पर लेन मार्किंग करना। दूसरा, पथों के मीडियन पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना। तीसरा, सड़क किनारे घरों और पेड़ों के पास ऑब्जेक्ट हजार्ड मार्कर और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना। चौथा, सड़क सुरक्षा चिन्हों की मरम्मत और नए चिन्ह लगाना। पांचवा, पुलों के पास क्रैश बैरियर बनाना और ऑब्जेक्ट हजार्ड मार्कर लगाना। छठा, निर्माणाधीन पथों में वर्क जोन सेफ्टी बोर्ड लगाना। और सातवा, मीडियन मार्कर्स, डेलिनेटर्स, ब्लिंकर्स और कैटस आई लगाना और मरम्मत करना। यह कदम सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश पर उठाया गया है और गाइडलाइन इससे जुड़े सभी अभियंताओं को भेज दी गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अनुकूल रॉय की। अनुकूल रॉय बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एक भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं जो झारखंड और IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। IPL 2025 में कोलकाता की टीम ने उन्हें 40 लाख रुपए में खरीदा है। उनका जन्म 30 नवंबर 1998 को झारखंड के सरायकेला खारसवान में हुआ था। अनुकूल रॉय ने 2018 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। विजय हजार ट्रॉफी में 2017 में उनका डेब्यू हुआ था जिसमें उन्होंने 304 रन और 19 विकेट लिए। IPL में उन्होंने 2017 में मुंबई इंडियंस से शुरुआत की और 2022 में KKR द्वारा खरीदे गए। बिहार विधान परिषद में महिला शिक्षकों के मातृत्व अवकाश और वेतन कटौती को लेकर चर्चा हुई। BJP के MLC नवल किशोर यादव ने महिला शिक्षिकाओं के मातृत्व अवकाश में वेतन न मिलने और शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने के मुद्दे को उठाए। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वे इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं और दिसंबर में सख्त आदेश जारी किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। साथ ही जिन शिक्षकों का वेतन कट गया था उन्हें वह वापस किया जाएगा। पहले के आदेशों के अनुसार आंदोलन करने वाले शिक्षकों का वेतन काट लिया गया था, लेकिन अब सरकार ने इस पर पुनः जांच और समीक्षा करने का निर्णय लिया है। जदयू के MLC संजीव कुमार ने इस वेतन कटौती पर सवाल उठाया और इसकी समीक्षा की मांग की। बिहार में हर साल बाढ़ की तबाही से निपटने के लिए नदियों से गाद निकालने की योजना बनाई गई है। मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर बांका के चांदन डैम से फिलहाल गाद निकालकर उसके व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाएगी, जिससे सरकार को 49 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में मिलेंगे। यदि यह प्रयोग सफल होगा तो अन्य नदियों से भी गाद निकालने का काम किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। इस पहल से किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा और बाढ़ की समस्या में राहत मिलेगी, खासकर उत्तर बिहार की नदियों में गाद के कारण।
अगर ट्रेन टिकट में नाम या डेट में बदलाव करना हो तो यह केवल ऑफलाइन बुकिंग पर संभव है। ऑनलाइन बुक किए गए टिकट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि टिकट ऑफलाइन बुक किया गया है तो यात्री 24 घंटे के भीतर नाम और 48 घंटे के भीतर यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। बदलाव के लिए नज़दीकी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर टिकट के साथ आवेदन देना होता है। आपको इसके लिए एक तय शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है और आपकी नई डेट में सीट उपलब्ध होने पर ही टिकट अपडेट किया जाता है। वहीं टिकट ट्रांसफर केवल परिवार के करीबी सदस्य जैसे माता पिता भाई बहन को किया जा सकता है और सीट उपलब्ध होने पर ही टिकट अपडेट किया जाता है। बिहार के 13 पुलिस अधिकारी जो भारतीय पुलिस सेवा IPS के 2012 से 2016 बैच के हैं, उन्हें राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज 3 के लिए भेजा जाएगा। यह प्रशिक्षण 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक होगा। भेजे जाने वाले अधिकारियों में रवि रंजन कुमार, इनाम उल हक मैंगनू, रमा शंकर राय, विशाल शर्मा, उपेंद्र नाथ वर्मा, गौरव मंगला, डी अमरकेश, श्रीमती बीना कुमारी, पंकज कुमार, योगेंद्र कुमार, विनय तिवारी, हृदयकांत और अनंत कुमार राय सहित 13 अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते दिन शुक्रवार को पटना पहुंची, जहां उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। बैठक में बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सीतारमण ने खराब ऋणों को कम करने और बैंकों की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की। वहीं दरभंगा में उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग ली, जिसमें 26 बैंक 1300 करोड़ के ऋण वितरित किया गया। वहीं आज झंझारपुर में ललित कर्पूरी स्टेडियम में 1021 करोड़ रुपए का रोजगारोन्मुख ऋण वितरण करेंगी और राज मैदान में सभा को भी संबोधित करेंगी। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। बिहार विधान परिषद में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला गरमाया। जदयू MLC संजीव कुमार और RZD MLC अब्दुल बरी सिद्दीकी ने सरकार से सवाल किया कि फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे जो फर्जी नियुक्ति करवा रहे हैं। सिद्दीकी ने कहा कि फर्जी नियुक्तियां बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं हो सकती। संजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने दिसंबर तक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि परीक्षा के नाम पर लूट हो रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा एक पर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने आगामी वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, जो पिछले साल की तुलना में 150 रुपये अधिक है। यह निर्णय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें उनके गेहूं की बेहतर कीमत मिलेगी। साथ ही जैसे धान की खरीद पर 48 घंटों के भीतर किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है, वैसे ही गेहूं की बिक्री के बाद भी राशि त्वरित तरीके से उनके में स्थानांतरित की जाएगी। किसानों से अपील की जा रही है कि वे अधिक से अधिक गेहूं की बुआई करें और सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचकर MSP का लाभ उठाएं। बिहार के शिवहर जिले में ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान DSP भरत कुमार की नज़र एक बाइक पर पड़ी, जिसमें नंबर प्लेट की जगह स्लोगन लिखा था। स्लोगन में लिखा था, सॉरी गर्ल्स, माई मॉम इज़ वेरी डेंजर, लड़कियों, मेरी माँ बहुत खतरनाक है। DSP ने बाइक सवार से सवाल किया और 1500 रुपये का चालान काटा। ट्रैफिक नियमों के अनुसार यदि वाहन नंबर प्लेट पर स्लोगन लिखा जाता है या उसे छेड़ा जाता है तो यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन होता है। यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। धारा 147 और 179 के तहत अगर आप ट्रैफिक नियम का पहली बार उल्लंघन करते हैं तो 2500 रुपये जुर्माना, दूसरी बार गाड़ी जब्त कर ली जाती है और तीसरी बार उल्लंघन करने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी प्रावधान है। अब घर बैठे आसानी से ऑनलाइन बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है। LTE कनेक्शन के लिए अब लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ सरल कदमों का पालन करें। सबसे पहले सुविधा ऐप पर जाएं और न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। अपनी जानकारी जैसे जिला, मोबाइल नंबर, OTP वेरीफाई करें। इसके बाद ब्लॉक, पंचायत, गाँव या वार्ड का नाम, वितरण कंपनी और कनेक्शन टाइप जैसे घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक आदि चुनें। ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड अपलोड करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होते ही आपके मोबाइल नंबर पर जानकारी प्राप्त होगी। आप वितरण कंपनियों की वेबसाइट nbpdcl.co.in या sbpdcl.co.in पर भी आवेदन कर सकते हैं।
अभिनेत्री संचिता बसु और अभिनेता धवल ठाकुर बीते दिन एएन कॉलेज पटना पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार के प्रमोशन के दौरान दर्शकों से अपील की कि वे इसे ज़रूर देखें। संचिता ने बिहार के दर्शकों से मिले प्यार के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अप्रत्याशित था। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज़ के नए 4 एपिसोड रिलीज हुए हैं, जिनमें रोमांच और सस्पेंस की भरमार है। शूटिंग के दौरान बाइक चलाने का अनुभव साझा करते हुए संचिता बसु ने बताया कि कई बार गिरने के बावजूद उन्होंने सीन बेहतरीन तरीके से किया। आपको बता दें कि अब तक 11 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और बाकी के 8 एपिसोड 6 दिसंबर को दर्शकों के सामने आएंगे। बिहार के भविष्य को आकार देने के लिए बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ज ने विकसित बिहार 2047 सर्वे शुरू किया है। यह सर्वे बिहार को 2047 तक समृद्ध और प्रगतिशील बनाने के लिए जनता से विचार और सुझाव आमंत्रित करता है। इस सर्वे में भाग लेने से आप नीतिगत प्राथमिकताओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं, बदलाव के लिए नीति निर्माताओं को सशक्त बना सकते हैं और बिहार के विकास में साझेदारी कर सकते हैं। इस सर्वे को पूरा करने में केवल 7 मिनट का समय लगेगा। अधिक जानकारी और सर्वे में भाग लेने के लिए www.bipart.bihar.gov.in पर जाएं और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। आजकल डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन स्कैम्स का खतरा बढ़ गया है। स्कैमर्स आपके पर्सनल जानकारी चुराने या बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। स्कैम्स से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना चाहिए और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और पर्सनल जानकारी अनजान व्यक्तियों से साझा ना करें। ईमेल और सोशल मीडिया पर फिशिंग स्कैम से बचें। अपने डिवाइस को अपडेट रखें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और अपने बैंक अकाउंट की नियमित रूप से जांच करें। बिहार में 30 नवंबर के बाद दक्षिणी जिलों में बादल छाने से दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन रात के तापमान में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 14 जिलों जैसे सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के रात्रि तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पटना में शुक्रवार को भी घना कोहरा और प्रदूषण देखा गया और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा मधेपुरा में बहाल 55 शिक्षकों की नौकरी संकट में है, क्योंकि उनकी न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग के DPO मिथिलेश कुमार ने 28 नवंबर को इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा था। इन शिक्षकों के CTET अंकों के आधार पर अर्हता की जाँच की गई, जो निर्धारित मापदंड से कम पाई गई। बिहार राज्य के बाहर के शिक्षकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षकों को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना है कि उन्हें अपनी पेंशन जारी रखने के लिए आज 30 नवंबर 2024 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है। अगर वे इस तिथि तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराते हैं तो 1 दिसंबर से उनकी पेंशन रुक सकती है। यह सर्टिफिकेट यह पुष्टि करता है कि पेंशनभोगी जीवित हैं। पेंशनधारक इसे बैंक शाखा में जाकर या डिजिटल माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बायोमेट्रिक और डिजिटल सेवा की शुरुआत की है। सोशल मीडिया पर एक भ्रामक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुराने दुर्लभ भारतीय सिक्के और बैंक नोटों को सीधे असली मुद्रा में बेचा जा सकता है। यह पोस्ट एक वीडियो के साथ शेयर किया गया है, जिसमें सिक्कों और नोटों को बेचने की प्रक्रिया समझाई गई है। इस पोस्ट को हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं, लेकिन फैक्ट चेक ने इसे धोखाधड़ी साबित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी इस प्रकार की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जिससे सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सरकार की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने विधानसभा के भीतर हंगामा खड़ा कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य आसन के पास पहुंच गए और नारेबाजी की, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस हंगामे के कारण प्रश्नकाल अधूरा रह गया। वहीं शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं भी नहीं पढ़ी जा सकी। वहीं सदन के बाहर भी विरोध का माहौल था। राजद ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तेजस्वी यादव के नेतृत्व
नेतृत्व में युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा उठाया। राजद के नेताओं ने नारे लगाए, तेजस्वी है तो नौकरी है, और दावा किया कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेंगे। उन्होंने ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की और राहुल गांधी की पुरानी मांग का समर्थन किया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर बैलेट पेपर के पक्ष में आवाज़ उठाने की चेतावनी दी है। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट प्रतिद्वंदिता हमेशा रोमांचक होती है और अब यह दोनों टीमें अंडर 19 एशिया कप में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। यह मुकाबला 30 नवंबर यानी आज दुबई में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। भारत इस मैच को जीतकर अपना 10वां खिताब जीतने के लिए उतरेगा। इस मैच में बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर खास नजरें होंगी, जिन्हें IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने 1,10,00,000 रुपये में खरीदा है। यह उनका पहला एशिया कप में डेब्यू है। इस मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स चैनल और सोनी लिव ऐप पर लाइव होगा। इसके साथ ही आप एक छोटे से सवाल का जवाब जरूर देते जाएं, क्या वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी छाप छोड़ पाएंगे? भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1759 में आज ही के दिन दिल्ली के सम्राट आलमगीर द्वितीय की उनके मंत्री ने जान ले ली। 1997 में भारत बांग्लादेश विवादित सीमा क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुआ। 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने संघीय जांच एजेंसी के गठन की घोषणा की। सरकार ने इस 80 रिजवी वेतन समिति का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया। 1858 में आज ही के दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 1945 में आज ही के दिन वाणी जयराम प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका थी, उन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था। 2012 में आज ही के दिन इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हुआ था। घरेलू शेयर बाजार ने बीते दिन शानदार तेजी दिखाते हुए नवंबर सीरीज के आखिरी कारोबारी सत्र को समाप्त किया। BSE सेंसेक्स 759.05 अंक की बढ़त के साथ 79,802.79 अंक और NSE निफ्टी 216.95 अंक उछलकर 24,131.10 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 ने मुनाफा कमाया, जबकि भारतीय एयरटेल का शेयर 4.30% चढ़ा। एशियाई बाजारों में जापान के निकेई और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में गिरावट आई, जबकि हांगकांग और शंघाई में बढ़त रही। वैश्विक तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 1.29% गिरकर $70.12 प्रति बैरल पर पहुंच गया। बच्चों के फोन की आदत को कंट्रोल करने के लिए हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। पहला, बच्चों को घर के कामों में मदद करने के लिए प्रेरित करें, इससे वे जिम्मेदार बनेंगे और आपको उनसे बात करने का मौका मिलेगा। दूसरा, बच्चों की इमेजिनरी गेम्स खेलने के लिए कहें, इससे उनकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तीसरा, बच्चों को बोर्ड गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करें, यह ब्रेन एक्सरसाइज के रूप में काम करेगा। चौथा, बच्चों से अधिक बातचीत करें ताकि वे फ़ोन से दूर रहें और आपसे अपने विचार साझा कर सके। पांचवा, बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, या उनकी सोच को और एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा। छठा, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में भेजें ताकि वे व्यस्त रहें और स्किल्स डेवलप करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। हमारा पहला सवाल है, शुंग वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए सियालकोट, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। आज का दूसरा सवाल है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार। आज का तीसरा सवाल है, देश का सर्वाधिक लीची उत्पादन वाला राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार।
आज का चौथा सवाल है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 वर्ष। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? ऑप्शन ए 2,650 करोड़, ऑप्शन बी 2,750 करोड़, ऑप्शन सी 2,850 करोड़ या ऑप्शन डी 2,950 करोड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2,750 करोड़। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अब्दुल मनन, कौशलेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, रंजू, अनिश कुमार, वेद प्रकाश सिंह, शिवम कुमार, धीरज मिश्रा, अतीक खान, कामेश्वर सिंह, नरेश शर्मा, फिरोज खान और अरशद अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके विचार में बिहार को 2047 तक समृद्ध और प्रगतिशील बनाने के लिए कौन सी योजनाएं सबसे प्रभावी साबित हो सकती हैं? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।